में हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों इंसानों में से हर इंसान की अपनी ही एक कहानी, और इस रंगीन दुनिया की मझधार में फंसा हर एक इंसान अपनी ही धुन में मगन है। और इस रंगीन दुनिया में बसे हजारों रंगों में से इस महफिल का रंग ही कुछ और है, और वो है महफिल मौसीकी का रंग। लेकिन आज हम आपको कोई महफिल मौसीकी का तड़का सुनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि जो 6 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो हम घर पे सोफे पे बैठ के बड़े सुकून से देखते हैं, उस एक वीडियो को बनाने में कितनी काविश लगती है। मेरा नाम है जमीर, मैं आज लाइटमैन का काम कर रहा हूँ। डीजे इकबाल, लाइट इंजीनियर। मेरा नाम वसीम गिल है और तकरीबन 20 साल से मैं तबला बजा रहा हूँ। आई एम अली वारसी। मेरा नाम अशफाक हुसैन है और मैं हैदराबाद के बहुत ही अच्छे इंसान उस्ताद मोहम्मद शफी वारसी साहब का शागिर्द हूँ। मैं खुद मेन सिंगर हूँ इसमें, और मेरे साथ पूरा ग्रुप है उस्ताद शफी वारसी जो कि लीजेंड ऑफ पाकिस्तान है, मेरे साथ है, मेरी खुशकिस्मती है। क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, क्योंकि अरसे की मेहनत है, तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डाल देगा। टास्क को मुकम्मल करने के लिए ये सारी टीम सर जोड़ करके एक टास्क के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन इस सारे टास्क को साथ काम करने में जो सबसे ज्यादा काम करता है वो होता है डायरेक्टर। तो जी दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि इस गाने के जो मेन डायरेक्टर हैं जावेद सुमरो साहब और डीओपी परवेज सुमरो साहब, तो वो हमें एक कोने में डिस्कशन, ये चल रहा है डिस्कशन, तो डिस्कशन करते हुए मिल गए, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। थोड़ा दूर हो ना यार, आओ बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें दिल करता है कि हम यूं मतलब लव यू, लव यू यार, लव यू पप्पी ले लें। क्या कर रहा है यार। चलो अच्छा, मुझे ये बताएं सर, कैसा चल रहा है आज का प्रोजेक्ट? जबरदस्त, माशाल्लाह, एंजॉय कर रहे हैं? आपने देखा होगा? नहीं, मैं देख रहा हूँ, काफी मेहनत कर रहे हैं आपकी, काफी गर्मी है। हां हां बिल्कुल, मेहनत जो है और काम अच्छा देंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी ये जो मेहनत है वो रंग लाए। आई लव यू यार। और जिस चैनल पे आप ये गाना फेंक रहे हैं जी, वो आपका बजट क्लियर कर दें। ओ लव यू यार सो मच भाई। और आपका गुलाब जामुन एक हो गया यार। जिस मीडिया के लिए ये दोस्त काम कर रहे हैं, मुझे पता है बड़ी ही डेंजरस मार्केट है। आप चैनल्स के लिए काम करते हैं और उसके बाद जब आप गाना देने के लिए जाते हैं तो फिर पता ये चलता है कि आपकी तो बात हुई थी 50,000 में, लेकिन गाने में था कैसा? तो ये है कि मेहरबानी करके जो है ना, आप ये 10,000 का चेक ये ले जाइए, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर इस फील्ड को इतना बदनाम कर दिया गया है कि ये जो मॉडल काम कर रहे हैं, ये जो सिंगर यहाँ पे आए हैं अपना गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये पैसे देते हैं और उसके बाद ये डायरेक्टर शूट करता है, ऐसे होता है कि भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब आप पैसे लेते हो? नहीं नहीं, पैसे कौन लेता है, पानी पी रहे हैं खाली यार, और पैसे कौन लेता है यार। ये शायद गलत समझे थे, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा, ये खुद ही फंस गए अपनी लाइफ में। नहीं भाई, जावेद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत मेहनती काम करता है। एग्री सर। अब हमारे साथ हैं परवेज सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक लगता है। माइक जो है ना बिल्कुल काम करना छोड़ गई है, कैमरा फेस पे आ गया है बिल्कुल, वैसे ही मुंह धोया हुआ नहीं है। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और लंबे भी लग रहे हैं, लेकिन आप कितने हो, लंबे हो गए सर? नहीं, वो असल में झूले पे बैठा हुआ हूँ इसीलिए लंबा लग रहा हूँ। और वैसे आशी भाई हमारे बहुत सीनियर हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, अल्लाह खुश करे इनको, हम तो बस इसी के ही बच्चे हैं और थोड़ा और काम सीखना चाहते हैं। बहुत बड़ा मजा आया आज शूट पे, आशी भाई आए हुए हैं यार, मुझे लग रहा है मुझे बड़ा मजा आता है कि इस वीडियो में सिर्फ परवेज का ही इंटरव्यू चलेगा क्योंकि इसने भाई की तारीफ की। कोई तो है। जो मजा है इस फील्ड में वो ये है कि बड़े जॉली लोग होते हैं, बड़ा मजा होता है, तफरी होती है, एंटरटेनमेंट होती है, तो वी लव इट। छोटे से छोटे आर्टिस्ट से लेकर बड़े से बड़ा आर्टिस्ट एक साथ होकर काम कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। तो अगर हम भी एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ दें, बैक बाइटिंग करना छोड़ दें,
तो एक दिन हम लोग भी शायद सक्सेसफुल होंगे, शायद, पता नहीं। नॉर्मली एक गाना 4 से 5 दिन में मुकम्मल होता है और उसके बाद ये सारी रिकॉर्डिंग जाती हैं एडिटिंग के लिए, और एडिटिंग में ये 4 से 5 दिन की मेहनत ठीक 3 से 4 मिनट के गाने में तब्दील होकर फाइनली आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। तो है ना कितना सिंपल टास्क, सो सिंपल। दादा अपना तो एक ही उसूल है, नीयत साफ मंजिल आसान, मेहनत करते जाइए और नीयत साफ होनी चाहिए, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देख ही लिया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही आशी डेली व्लॉग्स में से आशी को सिया।